यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता आप सारे ठीक होंगे। तो सर्दियों का मौसम है और हमारे किन्नौर में सर्दियों के मौसम में कोई त्यौहार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा किन्नौर अपने त्यौहारों, अपने कल्चर से ही इसकी एक अपनी अलग पहचान है। और हमारे किन्नौर में हर एक गाँव में अपना अपना त्यौहार मनाने का अपना अपना एक अलग अंदाज है। तो आज हमारे गाँव में लमोद का त्यौहार है और हमारे यहाँ गांव में लमोद का त्यौहार कुछ मनाने का कुछ अपना एक अलग अंदाज है। तो लमोद त्यौहार का मतलब आपको सिंपल और सरल भाषा में समझाऊँ तो परियों का आगमन और परियों का पूजा की जाती है, ताकि उनसे अच्छा फसल, अच्छा सेहत और समस्त जितने भी प्राणी है उन सब की खुशहाल ज़िंदगी की मनोकामना के साथ हम पूजा करते हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं, पूजा कैसे की जाती है, तो मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज लमोद त्यौहार का पहला दिन है, तो इस तरह से छोटे छोटे ये पूरी बनाकर पूजा की जाती है। तो फर्स्ट टाइम हम तोशमा करते हैं, तोशमा मतलब उनका स्वागत किया जाता है परियों का। तो इस टाइप से छोटे छोटे जो व्यंजन होते हैं वो बनाते हैं। तो आज पूरी बनाया है, तो जब हम उनका स्वागत करते हैं तो फर्स्ट टाइम ये छोटे छोटे पूरियों से स्वागत करते हैं। ये त्यौहार टोटल 4 दिनों का होता है और जो अभी जो है इसे शू लमोद कहा जाता है। और आज और कल 2 दिन शू लमोद का पूजा होगा और उसके बाद फिर 7 दिन का गेप होगा और उसके बाद 2 दिन फिर लो लमोद होगा। तो आप मेरे वीडियो के साथ चारों लमोद का आनंद लें और कैसे कैसे व्यंजन बनता है, क्या क्या बनता है चारों दिन। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने रहे आप मेरे वीडियो के साथ। ये मेरे घर की लमशा भी दोनों है, ये देखिए बन ठन कर लमशा भी के स्वागत के लिए पूजा करने के लिए तैयार हो गए हैं। Tocna, tocna.